पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट होगा 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली में 18 दिसंबर 2014 को 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाए जाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो कि एल्बिनिज्म जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ गैर संक्रामक अनुवांशिक रूप से विरासत में मिला अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन VI के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, अभिजीत किशोर। अभिजीत किशोर, ये हैं अभिजीत किशोर जो कि VI के नए चेयरपर्सन बने हैं। और हाल ही में इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को विप्रो के नए COO बने हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, इटली देश। नरेंद्र मोदी जी G शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली गए हैं। अब बात है इटली की, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। करेंसी क्या है? यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, असम राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अब बात है असम की, तो असम की ये है मैप में आसाम। लेकिन असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है यहाँ की कैपिटल। गवर्नर की बात करेंगे तो गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है ना, असम में नामांकित लड़कियों के लिए मासिक वजीफा पहले वर्ष में 1,250 और 2,500 10 महीनों के लिए होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्राओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्युयर कपोल योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, तमिलनाडु। अब बात है तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। सीएम की बात करेंगे तो एम के स्टैलिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के EDGE ग्रुप के वैश्विक साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा UAE। सी ऑप्शन राइट होगा, UAE यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तोम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब बात करेंगे दुबई की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? भारत और UAE के स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा भी शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा भी दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना भी बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। ये हैं UAE से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, हाल ही में उनका नाम क्या था? जिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, अमोल काले। ये हैं अमोल काले जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आठवां क्वेश्चन,
तो हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश। ये हैं पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। चीफ मिनिस्टर कौन है यानी मुख्यमंत्री, अभी बताया हूँ, पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? केवल त्रिविक्रम परनायक यहाँ के गवर्नर हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के में कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। केकिर यानी अदरक, हस्तनिर्मित कालीन यानी तिब्बती निवासियों द्वारा, और वाचो शिल्प को GI टैग भी मिला है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रो देवेंद्र लाल, बी ऑप्शन राइट होगा, प्रो देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे गए हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिलसा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिलसा शहर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन AAHRSA के अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर कपिल दुआ। ये हैं डॉक्टर कपिल दुआ जो कि AAHRS के अध्यक्ष बने हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। डॉक्टर दुआ जिन्होंने पहले 2022-23 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी और 2016-17 में एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। एकमात्र भारतीय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जिन्होंने राष्ट्रीय वैश्विक अब ACI संगठनों को नेतृत्व भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 11वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द वर्ल्ड बैंक, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। CPPI दुनिया भर में 405 बंदरगाहों व्यापक डेटा सेट पर आधारित है जो कि अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। बता दें कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इसे रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। अब बात है द वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वंशीगठन DC में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में, यानी जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड इसके प्रेसिडेंट बोले तो इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, इसके प्रेसिडेंट है अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नगरीय चुनाव हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, नागालैंड में। ठीक है ना, अब बात है नागालैंड की, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है यहाँ की कैपिटल। चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करें तो गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। अब बात है नागालैंड की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? 1 दिसंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 में नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया है। आधार से जुड़ा नाम जन्मीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य नागालैंड बना है। इसको याद रखना है कि आधार से जुड़ा नाम पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। फंगनोन कोनियाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद भी बनी है। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, सी ऑप्शन राइट होगा। जोशी मठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने अमल कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर दिव्य ज्ञान की ज्योति प्राप्त की थी। दिव्य ज्ञान ज्योति और ज्योतिश्वर महादेव की वजह से इस जगह को ज्योतिर्मठ नाम दिया गया है, जो कि बाद में जोशी मठ के नाम से प्रचलित हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास, सी ऑप्शन राइट होगा। अब बात है नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ की फुल फॉर्म होती है नासा की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, यूएस में। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 5.6%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 7.7% या ऑप्शन डी 10.6%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।